वो एक अलग ऑरा होता है, और एक जब किसी आप देवी शक्ति से मिले या कुछ सुपर नेचुरल पावर से टकराए तो वो अलग एहसास होता है। तब उसके बाद अब लोगों का सवाल, अब कुछ भी कोई पूछते हैं, अगर वो देवी माता है तो हवा पानी कंट्रोल कर सकती हैं क्या? आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे इस चीज में? मैं पानी कंट्रोल क्या करना है इसमें, माँ तो खुद आएंगे, माँ कुछ करेंगे इसमें, अब माँ को जब हवा पानी कंट्रोल करना है तो ऑलरेडी कर ही रही कर हैं, अब रही मेरे है। शरीर माँ के क्यों करेंगी वो? तो ये जो कुछ जैसे अजीब अजीब कोई कुछ आके बोल देता है, कुछ करके चले जाता है, यूट्यूब में कमेंट कर देते हैं या सोशल साइट में कमेंट कर देते हैं, आप उसको किस टाइप से मतलब देखते हो, क्या नजरिया रहता है? मतलब उसको आप ऐसे बोलते हो चल छोड़ जान दो, कि उस पर आप सोचते हो मैं छोड़ देती हूँ सबको, सब देवी मैया पर पूरा टोटली छोड़ देते हैं? माँ जो आ रहे हैं मेरे स्वीकार कर रही हूँ, जो माँ आ रहे हैं मेरे पास वही मेरे को अच्छा लगता और बाकियों से फिर जो आ रहे हैं उनको आइए, और जो नहीं आ है। रहे हैं उनका हाँ कोई बात नहीं है। जो बुरा वर्ड बोल रहे हैं उसको बुरा बोलने दो, अपने जो सेवा सत्कार में हूँ उससे आगे बढ़ जाती हूँ मैं। क्योंकि मैं ना कल आपका ना कोई एक पंकज करके कोई वीडियो बनाया है, उस पे मैं ना कमेंट देखा, वहां पे एक कोई लेडीज है वो लिखी है कि बेटी अपने आप को देवी माता का तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश तिवारी तिवारी प्रॉपर्टी से, आज हम लोग एक्सप्लोर करने हैं बिलासपुर की कुमारी माता जो स्थित है तिफरा मनाडोल में। तो आज हम लोग देखते हैं और मिलते हैं और समझते हैं कि देवी शक्ति और देवी भाव का क्या अर्थ है। और भाई मेरा तो ना बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं साक्षात ऐसे मिल पाया और नवरात्रि में मैं देख पाया। मेरा वीडियो में जो आप लोग देखे होंगे उसमें बोला भी था कि मैं नवरात्रि के बाद बिल्कुल आऊँगा, और मैं आया, माता जी से मिला, और माता जी मेरे को एक बार में हाँ बोल दी कि नहीं आप बिल्कुल आ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। तो गाइज मैं अब आपको मिलाता हूँ माता जी से जो मेरे स्थित में है बगल, आज हमारा पॉडकास्ट की पहली गेस्ट है माता जी। नमस्कार माता जी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। तो माता जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कुमारी माता है क्या चीज, क्योंकि मैं कुमारी माता सुना हूं बस, पर मैंने इनके बारे में जानता नहीं कि कुमारी माता कौन थी या क्या है, तो थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। तुम्हारी माता इसलिए कह जाता है कि कन्या लोग के माता विराजमान हो रहे हैं, अच्छा किले में स्थित सो रहे हैं, उसको कन्या तो कुमारी माता नाम से जान रहे हैं। अगर अच्छा वही स्वागत होगा तो दूसरा नाम से जानेंगे, बूढ़ी माता और कुछ कुछ नाम से देकर जानेंगे उसको। अच्छा अच्छा तो ये जो कुमारी माता जब आपके में आई, जब आपको आई तो डायरेक्ट ये कैसे पता चला कि मतलब वो कुमारी माता आपको बताएं कि खिले के ही बिस्तर में सोना है, कि मन से ऐसा कुछ लगा? हम लोग सब जवारा नहीं, हम लोग कबीर साहेब वाले हैं, इसी अच्छा से हम दुर्गा विसर्जन करने गए थे ना, तब वहीं पास में मन की माता चढ़ने लग गए, उसका विसर्जन करके आए हम लोग। तो फिर बोले कि सपना दिए कि मैं आऊंगी हर गुरुवार बोल के, हर गुरुवार के आने लगे मैया कि अच्छा बोल। माता जी का सपना है आपको हाँ कि मैं हर गुरुवार आऊंगी? हाँ तो फिर घर वाले बताए कि हर गुरुवार मैया आने लूंगा, आऊंगा बोल बोल के। तो फिर घर वाले भी देखे कि आ गए माँ गुरुवार को, सब मोहल्ला दर्शन करने आ गए। वैसे हर गुरुवार आते आते गए, फिर पापा लोग से बोले कि मंदिर का निर्माण करो, उसका निर्माण करो बोल के, फिर सबका निर्माण किए। तो चैतनाशी से हम शुरू किए, तो ये कितने साल पुरानी बात है ये? यही साल यार ना साल 1 साल हो गए। अच्छा मतलब अभी ये हाँ करेंटली 1 साल हुआ एक ये साल हो गए। शारद हाँ नवरात्रि में। हाँ अच्छा तो जब आपको पहली बार जब एहसास हुआ, क्योंकि देखो एक तो मैं आपको जैसे मैं आपको बताया, जब मैं आपको पहली बार ही यहाँ पे मैं देखा था, मैं आपको आपको देखा तो मैं तो मेरा हालात खराब हो गया था मेरा, मैं लिटरली जो, क्योंकि क्या है कोई भी चीज़ों को देखना और उसके जो कैमरा में देख रहे हैं उनका तो मैं नहीं बोल सकता, जब आप किसी भी चीज़ को सामने से देखो तो जो ऑरा फील होता है और जो एहसास होता है वो फ्रंट टू फ्रंट ही हो सकता है, ऐसे कैमरा के थ्रू तो नहीं हो सकता। तो आपको कैसे एहसास हुआ कि आपके अंदर जब आई देवी मैया या जैसे भी स्वरूप आया, तो आपको क्या एहसास हुआ कि किस टाइप से आपको लगा कि मेरे अंदर है? मैं खुद पता नहीं चला, एहसास खुद नहीं होता कि आता मैया ना, खुद पता नहीं चला किसके रूप में हूँ, किसका रूप में हूँ, क्या पता, कुछ एहसास नहीं मेरे को। तो आपके ऊपर जब देवी मैया रहती था बाकी सबको पहचान? यानी कि मैया खुद सपने लेती मेरे को, अच्छा हाँ बाद में खुद एहसास हो जाती मेरे को। तो जैसे आप जब खीला में जब आप आपको बताई जैसे देवी मैया कि मेरे हाँ लिए खीला का बिस्तर निर्माण करो, हाँ मंदिर निर्माण करो, और कि अपन ये खिला में सोएंगे, तो उसमें से आपको तकलीफ नहीं होता उस खील में सोने नहीं से? नहीं और बाद में उससे कोई मतलब पीट वीट में छीला कुछ हुआ नहीं, कुछ चिन्ह नहीं है, कुछ बिल्कुल भी, कुछ कुछ नहीं भी नहीं पता कुछ चलता, नहीं उसके बाद भी पता नहीं चलता? नहीं। और देवी मैया का जैसे होती है देवी मैया, क्योंकि बहुत पालन धर्म हाँ नियम धर्म से नियम चलती है से देवी मैया, चलते हैं।
जैसे कुछ त्रुटि होता है तो आपका एहसास होता है कि त्रुटि हो रहा है कहीं, तो फिर आप उसको कैसे करती हैं कि त्रुटि क्या हुआ, कैसे पता चलता है? क्योंकि क्या है, मंदिर ऐसा चीज है जिसमें एकदम आदमी साफ सुथरा, जैसे मैं भी आ जाया तो मैं अभी चॉकलेट खा रहा था, मैं तुरंत मूड हो गया, मैं उसके बाद ही ऊपर साफ चढ़ा। सुथरा रहने पड़ते हैं, स्वच्छ माँ माँ को छूने से पहले हाथ हाथ को धोने होने पड़ते हैं, स्वच्छ कपड़ा, गंदगी एक नहीं। तो आपको 24/7 कौन देखते रहता है, कौन आपकी देखभाल करते रहते हैं जब आपके ऊपर माताएं रहती हैं? तब घर में भाई है, पापा है, बहन है। पापा जी से तो आपके, मैं मिला था उस दिन आपके हाँ पापा जी से ना, काफी देर तक मेरी चर्चा हुई थी, हाँ क्या हुई, कैसे हुआ है ये घर सब में कोई ना करके। कोई रहते हैं, बहन भी रहते हैं साथ में। और अभी तो नॉर्मल जैसे होंगे, मैं शाम को सेवा कर होंगे, आरती होंगी, उठने पे माता पूजा जाएंगे। अच्छा, अभी मतलब रेगुलर बेसिस पे भी माता आती है आपकी? हाँ शाम को सेवा भक्ति होंगे ना तो भी आ जाएंगे। तो जब उसको आप उस मतलब वो ऑरा कैसा रहता है, मेरे को थोड़ा सा मतलब समझाओ ना, किस टाइप, मेरे को जानने का ना बहुत दिलचस्पी है। जैसे यानी कि सेवा होते हैं ना, तो हाँ, यानी कि एकदम वजन वजन तक लगेगी मेरे को, यानी वजन इन द सेंस, जैसे कि कि हमारे हाँ बॉडी में कुछ कोई होने एक होना। और हाँ है। हाँ वैसे लगेगा, उसके बाद क्या होने का कुछ होने का मालूम नहीं मेरे को। और जैसे कि देवी मैया आई, तो जब वो जिस समय वो आती हैं तो उनका भाव क्या रहता है, किस स्टेप से वो मतलब हम लोग को देखती हैं? या अब आप नहीं तो जान सकती अच्छा, मैं, आपको वह भी नहीं एहसास मालूम नहीं हो नहीं, पाया वैसा है, मालूम नहीं। क्योंकि मैं आपको देखा ना, तो आप मेरे को देखी तो प्रॉपर, आप मेरे को आपका जो नजरिया था ना, आप ऐसे मेरे को ना, जब आप यहाँ पे सोई थी यहाँ पे से, मैं अंदर भी नहीं, इसके भी अंदर में नहीं आया ना, मैं कैमरा मूव किया ना कुछ, मैं यहीं पे से खड़े हुआ, और मैं बताया ना, आप जैसे ही मेरे को देखी ना, मेरा हालत खराब हो, मैं तुरंत निकल गया। मैं तो वो ऑरा ना जो जो फील कर पाती, मतलब अभी बता नहीं पा रही है वो किस टाइप से हो रहा है वो। तो ये जो स्टार्टिंग हुआ आपका, ये जो देवी मैया का आना हुआ, ये किस चीज से स्टार्ट हुआ? दुर्गा विसर्जन करने गए थे उसी समय से ही दुर्गा उसी। में जी हाँ विसर्जन करने गए हाँ थे गए आप? थे, मोहल्ले में दुर्गा उठा था ना हम लोग, तो विसर्जन करने गए थे पिछले साल। तो आपके फैमिली वाले तो आपको एक्सेप्ट किए, हाँ वो तो आपको रोज देख रहे हैं, क्योंकि हाँ वो तो 100% फिक्स है कि आप हाँ किसी भी हाँ प्रकार का त्रुटि नहीं कर रही हैं या हाँ कुछ नहीं कर। ये मोहल्ले वाले लोग कैसे एक्सेप्ट किए नहीं आपको? सब क्यों तो खुद देखते हैं, खुद आते हैं मोहल्ले वाले, तो लोग सेवा सत्कार खुद करते हैं मोहल्ले वाले, दर्शन करने भी आते हैं उन लोग। मतलब आपको प्रॉपर सपोर्ट हाँ किए सपोर्ट पूरा, सब करते क्योंकि ना हैं। मेरे ही एक वीडियो में कमेंट किया है, मेरे को देखो वो कमेंट किया, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को कमेंट किया कि सब ढोंग है, ये है वो है, बोला ठीक है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा है और हमारा मेरा है। क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले ना पूरा यूट्यूब में पूरा देखता गया देखता गया देखता गया, यूट्यूब वाले जो भी बोले, एक होता है जब आप पर्सनली किसी से मिले ना, तो वो ऑरा जो मिलता है ना वो अलग लेवल में उसी होता को है। पता चलता अब है। जैसे हम अपने से बड़े किसी से मिलते हैं, या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी, ऐसे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, वो एक अलग ऑरा होता है। और एक जब किसी आप देवी शक्ति से मिले या कुछ सुपर नेचुरल पावर से टकराए, तो वो अलग एहसास होता है। तब उसके बाद अब लोगों का सवाल, अब कुछ भी कोई पूछते हैं, अगर वो देवी माता है तो हवा पानी कंट्रोल कर सकती हैं क्या? आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे इस चीज में? मैं पानी कंट्रोल क्या करना है इसमें, माँ तो खुद आएंगे, माँ खुद करेंगे उसमें। अब माँ को जब हवा पानी कंट्रोल हाँ करना है तो ऑलरेडी कर ही रही कर हैं, और ही मेरे है। शरीर माँ के क्यों करेंगी वो? तो ये जो कुछ जैसे अजीब अजीब कोई कुछ आके बोल देता है, कुछ करके चले जाता है, यूट्यूब में कमेंट कर देते हैं या सोशल साइट में कमेंट कर देते हैं, आप उसको किस टाइप से मतलब देखते हो, क्या नजरिया रहता है? मतलब उसको आप ऐसे बोलते हो चल छोड़ जान दो, कि उस पर आप सोचते हो मैं छोड़ देती हूँ सबको, सब देवी मैया पर पूरा टोटली छोड़ देते हैं? माँ जो आ रहे हैं मेरे स्वीकार कर रही हूँ, जो माँ आ रहे मेरे पास वही मुझे अच्छा लगता और बाकियों से फिर जो आ रहे हैं है। उनको आइए, और जो नहीं आ रहे हैं उनका हाँ कोई बात नहीं है। जो बुरा वर्ड बोल रहे हैं उसको बुरा बोलने दो, अपने जो सेवा सत्कार में हूँ उससे आगे बढ़ जाती हूँ मैं। क्योंकि मैं ना कल आपका ना कोई एक पंकज करके कोई वीडियो बनाया है, उस पे मैं ना कमेंट देखा, वहां पे एक कोई लेडीज है वो लिखी है कि बेटी अपने आप को देवी माता का, अपने आप को देवी माता मत बोलो, ये बहुत मैं बड़ी देवी चीज माता होती नहीं है। हूँ, माँ के रूप सामने मैं भी बेटी हूँ, माँ का सेवा खुद कर रही हूँ, मैं एक बेटी मन के मैं सेवा कर रही हूँ माँ की। जब माँ अपने का रूप देती है ना तो मैं रूप लेती हूँ। बस वही, ये जो सब जो चीज बोलते हैं ना इनको, क्योंकि उनको बोलने में कुछ नहीं जा रहा है, वो तो कमेंट पे कमेंट पे अरे कमेंट फिर मैं करते जा राधिका रहे। जैसी नॉर्मल ही हूँ। और सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोग अफवाह ये भी फैला रहे हैं कि आप मैरिड हैं। आप ही बताइए कि आप मैरिड नहीं हैं, आप नहीं कुंवारी है, मैं हैं। कुंवारी कन्या ही। हाँ, क्योंकि ये ना जो अफवाह भी फैले जा रहे हैं ना, ये कुछ भी लोग मतलब ना क्या है, देखिए एक कुंवारी माता शायद दुर्ग के पास है हाँ दुर्ग आसपास, में तो वैष्णवी है। उनका उनका कहना यह है कि एक जगह पे दो कुंवारी माता कैसे हो सकती, जब हमारे छत्तीसगढ़ में बम्लेश्वरी मैया हो सकती हाँ है,
माँ महामाया हो सकती, तो कुमारी माता दो क्यों नहीं हो सकती? तो आप इसमें क्या बोलेंगी? आप ध्रुव की सेवा सत्कार तो कुमारी माता सब बोलेंगे उसको। मतलब सबसे मेन ये है, जिसका देवी मैया से लगाव जुड़ गया, माँ से, हाँ अब माँ उसके अंदर आ गई, वो कुमारी, जो कुमारी है वो फिर कुमारी माता के रूप हाँ में आ गई एक है। और कहीं गांव में है कि मैं सुनी हूँ ऐसे मोबाइल में आया कि कुमारी माता के नाम से उखिला मिस होती है। अच्छा। हाँ और एक ऐसी चिंगराजपारा में है अपने बिलासपुरी में हाँ 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 है बिलासपुर में भी ना, सुना हूँ। बूढ़ी जी माता जी दरबार, जी जी हाँ वो भी खिला मिस होती है। अच्छा हाँ अगर वो कन्या रहती तो उसको कुमारी माता नाम से जानते हैं, और शादीशुदा है तो उसको बूढ़ी माता नाम से जानते सब। ठीक। अच्छा मतलब कन्या मतलब कुंवारी माता। अच्छा हाँ कुंवारी माता का मतलब जो कन्या है वो उसे कुंवारी कुमारी माता। बोलते हैं। ठीक। मैंने एक सबसे गंभीर सवाल पूछना ये भूल गया कि अभी ये था वो जो कुंवारी माता थी वो बोल रही थी कि मैं बचपन से, जब मैं 12 साल की थी तब से मेरा लट आ गया है, तो वो केस अलग है क्योंकि वो 12 साल की थी तब से उनपे वो साधना कर रही होंगी, तो उनपे देवी मैया विराज की। आप कुछ आप कर रही होंगी, पर आपको कुछ सालों के बाद जब देवी मैया को लगा कि हाँ ये मेरे एकदम अधीन होते जा रही है, तब वो फिर आप पे आई, तो ये लट बनने वाला क्या है? आप मेरे को थोड़ा सा ये बता सकती हैं क्या लट क्या है, ये कैसे पिछले बनते? नवरात्रि चैत नवरात्रि में लट नहीं बंधे बाल पर सॉफ्ट रखे, अच्छा। उसके बाद हम लोग विसर्जन करने का है तो 2 हफ्तों बाद हम बाल पर लट बन गए। ये अपने आप लट बन जाता हाँ है? अपने आप लट बन गए, तो ये मतलब जैसे आप जैसे जब लट बंधा था तो आप इसमें मैंने सेल, छुड़ाने की बहुत कोशिश हाँ वही मैं की पूछना चाह रहा हूँ। तो छूटे ही नहीं। अच्छा मतलब आप शैम्पू हाँ वैम्पू ये सब लगाने हाँ पूरा मैं बहुत कोशिश की, कोशिश की मैं, तब इसने छूटे मतलब ये वो जो कंघी वंघी किसी कुछ नहीं। किसी चीज से, मतलब वो जैसे खुलता है फिर बन जाता होगा, हाँ क्यों खुलता ही खुले नहीं, नहीं अब, खुल ही नहीं पा नहीं रहे खुल ही वो। नहीं पा रहे हैं और चिपक चिपक है पूरा। अच्छा और चिपकते जा रहे हैं वो। तो आप ये जो श्रृंगार है आप ये रोज ऐसे ही करती हैं हाँ शाम के टाइम आती शाम के है, टाइम हाँ अक्सर बाकी रहती नॉर्मल हैं? टाइम और मैं घर में जैसे सब काम भी कर लेती हूँ अब। अच्छा सब काम हाँ कर सब लेती हैं, काम तो करती आपका हूँ। रोज का जो दिनचर्या रहता है वो दिनचर्या मेरे को थोड़ा सा बताइए ना, कैसा रहता है दिनचर्या आपका? मतलब जैसे सुबह उठें फिर क्या किए, फिर उसके बाद क्या रहता है? सवेरे उठती हूँ वही नहाना वहाना, माँ का पूजा पाठ वाठ, फिर खाना पीना तो बनाना। खाना पीना आप खुद बनाती भी है खाना हाँ पीना? मैं खाना ही बनाती हूँ, अच्छा मतलब आप कंप्लीट घर का पूरा काम हाँ भी कर काम कर लेती हैं? लेती हूँ, खाना ही बनाती हूँ। अच्छा तो जैसे खाना में आप फिर क्या खाती हैं? लहसुन प्याज के छोड़े, लहसुन प्याज छोड़ के पूरा हाँ टोटल, हाँ जो सब ज्यादा मतलब से तामसिक ज्यादा, भोजन पूरा नहीं हाँ खाती करती किसी भी टाइप नॉर्मल का? दाल चावल सब्जी, तो ये आप बस नहीं करती कि आपके पूरे घर वाले ये फॉलो घर कर वाले रहे भी हैं? नहीं खाते। अच्छा पूरे नहीं खाते हाँ हैं, बाहर बाहर भी नहीं खाते हाँ किसी घर में? घर में नहीं खाते, बाहर में अपने बाहर अपना जो नाश्ता थोड़ा वो वास्ता, नाश्ता हाँ वास्ता कर नाश्ता ली, कर पर घर लेते में टोटली नहीं, मना नहीं है। बनाते। अच्छा मैं एक और चीज पूछूं, जैसे आप बताएं कि देवी माता का जो वो जो लोग बोलते हैं कि देवी शक्ति से आप ये कंट्रोल करके दिखाइए, आपके पास जब देवी शक्ति है तब गरीबी कम कर दीजिए, आप देवी शक्ति ये कर दीजिए, तो ये शक्ति जो रहती है ये सीमित रहती है कि असीमित रहती है? इसका कोई छोर है कि नहीं है इस शक्ति का? आपके अंदर आते तो आपको कुछ थोड़ा बहुत तो एहसास होता ही होगा, तो ये आपको जो जो शक्ति आप एहसास करती हो सीमित शक्ति करती है कि कोई असीमित करती है इसको एहसास आप? जवाब नहीं दे सकती। अच्छा ये मतलब वो हाँ थोड़ा सा ठीक, मैं समझ सकता हूँ कि ये क्योंकि बोलना ही, और आप जब बताएं जिस हिसाब से हाँ कि मेरे को एहसास होता तो है पर मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक। तो ठीक है, तो आज का हम लोग पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। देवी मैया का कृपा हम पे भी बना रहे, आप भी स्ट्रॉन्ग हम लोगों माता को ध्यान बिल्कुल ऐसे देते ही रहो देखते रहे। हम बेटा। लोग अब मैं हर नवरात्रि में पूरी कोशिश करूंगा, अब मैं नवरात्रि में भी आपके पास आऊं, अब आपसे मैं मिलता रहूं बीच बीच में आके भी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पॉडकास्ट के थ्रू आपसे कनेक्ट हुआ हूं, अब हम लोग ऐसे व्यवहारिक रूप से भी कनेक्ट रहें। आप मेरे को अपना छोटा भाई छोटा बेटा जो आपको इच्छा लगे आप मान के मेरे को ऐसे करते रहिए। ठीक है चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं पर, जय जय माता माता दी। दी।